मंझोला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फाजलपुर इलाके से विगत 11 फरवरी से लापता दलित युवक मगन उर्फ सोनू की बॉडी एक नाले से बरामद करके उसके तीन दोस्तों संजीव, लाखन और मोहित को गिरफ्तार करके मुरादाबाद पुलिस इस घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है। लेकिन 20 दिन से अधिक समय तक मंझोला पुलिस मगन के परिजनों को कोई ठोस आश्वासन भी नहीं दे पाई। जानकारी के अनुसार मृतक के परिजनों ने 12 फरवरी को ही मगन की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराते हुए तीनों आरोपियों के नाम शक के आधार पर पुलिस को बता दिए थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से न लेते हुए लापरवाही दिखाई, जिसके चलते पिछले दिनों बुद्धि विहार इलाके में एक दलित महापंचायत में भी मगन का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अमित आनंद ने बताया कि पैसों के लेन देन में उसके दोस्तों ने ही मगन की हत्या की है। मगन रुपए लेन देन का काम करता था और मोहित ने किसी को पैसे दिलवाए थे, जिसे लेकर इनके बीच विवाद हुआ और मगन को इन्होंने बिजली घर पर बुलाकर धोखे से लोहे की रोड से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने 11 फरवरी को ही मगन को मार दिया था और उसके बाद उसकी बॉडी को छिपाने के लिए नाले में ले जाकर डाल दिया, जिसे इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने इनके पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। ये 12 तारीख को थाना मझौला में मगन नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसमें थाना मझौला और इसमें सर्विलांस टीम को लगाया गया था, लगातार प्रयासरत थे इसकी बरामदगी के लिए। विवेचना के दौरान इसमें तीन व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है मोहित, लाखन, संजीव, जो मझौला, पागबाड़ा और कटघर के रहने वाले हैं। ये इसमें जो विवेचना में यह आया कि इन्होंने 11 तारीख को अपने पास बुलाया था मगन को, और मगन जो है पैसों के लेन देन का व्यापार करता था। इसने इसमें जो अभियुक्त मोहित है, इसको पूर्व में 2,80,000 रुपये उधार पे दिलाए थे, जिसकी ये हर महीने किस्त भरता था। पिछले कुछ महीनों से ये किस्तें इसकी टूट गई थी, जिसको लेकर इनके बीच में पूर्व में भी वाद विवाद हुआ था। 11 तारीख को मगन इसके घर पे गया था मोहित के, और इनके बीच में वाद विवाद हुआ था, अपशब्द कहे गए थे इसके परिवारजनों से। उस समय मोहित घर पर नहीं था। जब ये घर पर वापस आया तो इसके परिवार वालों ने जो बात हुई थी वो बताई। मोहित ने फिर अपने दोस्त लाखन, जो बिजली घर पे काम करता है, उन्होंने दोनों ने प्लान बनाया मगन को मारने का। इन्होंने फ़ोन करके बिजली घर पे इसको बुलाया, इसके बाद लोहे की रॉड से इस पर वार किए गई और तकिए का प्रयोग करते हुए मुंह दबाकर इसकी हत्या कर दी। और जब फिर इसकी लाश को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जब इन्होंने उधर जो कर्मी था संजीव, उसकी बाइक का प्रयोग करते हुए एक नाले में ले जाकर इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। इसमें पुलिस ने इनकी निशानदेही पे शव को भी बरामद किया है, और इनके पास से घटना में जो प्रयुक्त है, जो आला कत्ल जो प्रयोग हुआ, उसको भी बरामद किया। बाइक जो इन्होंने ले जाने के लिए प्रयोग करी, इसके अलावा तकिया, गद्दा, जो अन्य सामान थे, उनको भी इनके निशानदेही पे प्रयोग प्राप्त किया गया है। आज इन तीनों को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मृतक कितने दिन से लापता था, कितने दिन पुलिस की बॉडी बरामद की? इसमें मृतक की जो गुमशुदगी थी 12 तारीख को लिखाई गई थी, ये घटना जो है वो 11 तारीख की है। उसमें लगातार पुलिस उसी समय से काम कर रही थी। ये जो घटना जो ये 11 तारीख को ही हो गई थी, और आज 3 मार्च को इसकी गिरफ्तारी, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है। मतलब सर, माना जाए कि पैसे को लेन देन का हुआ था पूरा? हाँ, ये जो विवाद था पैसों के लेन देन के लिए था। ये सभी लोग आपस में परिचित थे, इनकी पूर्व में दोस्ती भी थी, और परिचित और विवाद के ही कारण, पैसों के लेन देन के विवाद के ही कारण इसकी हत्या की गई।